दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा की सबसे भयानक और खतरनाक चुड़ैल की सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र की जानकारी न देने की परमिशन के कारण मैं इस कहानी में खुद को शामिल कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं फॉरेस्ट रेंजर बना था। मेरी पहली पोस्टिंग उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। उस समय मैं वहाँ बिल्कुल नया था और मेरी वहाँ अपॉइंटमेंट बालेश्वर के कुलदिया फॉरेस्ट में हुई थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर एक दिन मुझे खबर मिली कि गांव में एक बच्चा खेलते खेलते जंगल में चला गया है और 3 दिन से वापस नहीं आया है। मेरे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर ने मुझे बोला कि तुम जंगल में जाकर बच्चे को ढूंढो। तो मैंने वहाँ पहुँचकर पूछताछ शुरू की। बच्चे की माँ ने बताया कि वो तो घर के सामने ही खेल रहा था और कुछ ही देर बाद वहाँ से गायब हो गया। उसको कुछ लोगों ने जंगल के सामने की तरफ जाते देखा था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि वह जंगल में गया है। लेकिन गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि उस बच्चे को जंगल में रहने वाली चुड़ैल उठा कर ले गई है, लेकिन कुछ का कहना था कि उसे जंगली जानवर ले गए हैं। मैं उस जगह बिल्कुल नया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। पर मुझे उस बच्चे को ढूंढना तो था ही, इसलिए अगले दिन सुबह सुबह ही मैं उसे ढूंढने के लिए जंगल में चल पड़ा। मैंने वह पूरा दिन उस बच्चे को ढूंढने में लगाया, लेकिन उसका कुछ भी कहीं अता पता नहीं मिला। रात हो चुकी थी और सूरज भी पूरी तरीके से ढल चुका था कि तभी मुझे जंगल में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मुझे लग रहा था कि वही बच्चा रो रहा है और मैं उसे आवाज़ लगाते हुए जंगल के और अंदर चलता गया। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचकर मैंने जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जिसकी मुझे रोने की आवाज़ आ रही थी वह न ही कोई लड़का था और न ही कोई जानवर, बल्कि वहाँ पर एक औरत थी जिसने एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और फैले हुए थे, उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी और वह जमीन से 3 फुट ऊपर हवा में उड़ रही थी। उसको देखते ही मैं ये समझ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं है। वह मेरी तरफ देख रही थी और मेरी तरफ देखते हुए उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उस समय मैं डर के मारे पसीना पसीना हो चुका था, लेकिन मैंने डरते डरते जवाब दिया कि मैं एक बच्चे को ढूंढने आया हूँ। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। वैसी डरावनी हंसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो बोली कि इस जंगल में जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जाता। उसकी यह बात सुनकर मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन फिर उसने वहां पर पड़े एक कंकाल की तरफ इशारा किया और बोली कि जिस बच्चे को तुम ढूंढने आए हो वो वहां पर पड़ा है। यह देखकर डर के मारे मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। कुछ ही सेकंड्स बाद वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो मुझसे सिर्फ 7 फीट की दूरी पर ही थी। मुझसे जितना बल पड़ रहा था मैंने उतनी जोर जोर से भगवान हनुमान का नाम लेना शुरू कर दिया था। जैसे ही मैंने भगवान के नाम का जाप शुरू किया, उस चुड़ैल ने अपने कान बंद कर लिए और बोली कि बंद करो इसे, और मैं वहां से भगवान हनुमान का नाम लेते हुए ही भागने लगा था और भागते भागते हाईवे के पास पहुंच गया था। उस समय वहां से एक ट्रक गुजर रहा था। मैंने ट्रक को रुकवाया और मैंने उसे आगे छोड़ने को बोला। वहां से मैं जैसे तैसे करके फॉरेस्ट ऑफिस पहुंच चुका था। मुझे पता था कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बस मैंने यही बोला कि वह लड़का मुझे नहीं मिला। कुछ दिनों बाद ही मैंने वहां से ट्रांसफर ले लिया, लेकिन आज भी वहां लोग अचानक रहस्यमय तरीके से गायब होते रहते हैं। कुछ लोग तो इसे अफवाह मानते हैं, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा वह झूठ नहीं हो सकता था। दोस्तों, अगर आप भी इसे झूठी कहानी समझते हो तो आपको भी एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको भी हमारी ये रियल और हॉन्टेड वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें।